विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से अब वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और अब अपने विमान से बाहर आते हुए तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण पूरा ये जो इनकी यात्रा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य यहां पर पहले से उपस्थित उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। और आप देख सकते हैं कि भारत का झंडा किस तरह से यहाँ पर लहराता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दोनों देशों के बीच जो मजबूत होते रिश्ते हैं वो और कैसे आगे एक नए कीर्तिमान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये इस दौरे से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और देख सकते हैं कि फूल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत किया गया है। और अब से कुछ ही देर में तमाम जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो आगे उनकी शुरुआत होगी। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए, एयरपोर्ट वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और बच्चों के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि संवाद पहले भी देखने को मिला है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो बच्चों के साथ किस तरह से उनका एक संवाद होता है, जिस तरह से वो मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके चहेते बन चुके हैं और यही वो चर्चित चेहरा है जिसकी एक झलक पाने के लिए और इस लोकप्रिय नेता की झलक पाने के लिए साफ तौर पर कीर्तिमान तमाम देखे गए हैं। और वैश्विक पटल पर भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पहले से बेताब नज़र आते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह सकती हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर ये पूरा नज़ारा, हालांकि वहाँ पर बारिश हो रही है जैसा कि हम तस्वीरों के ज़रिए भी देख रहे हैं। अशोक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर स्वागत के लिए लोग यहाँ पर गणमान्य लोग पहले से उपस्थित हैं और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, लेकिन बारिश भी हो रही है लेकिन जोश जो है वो हाई नज़र आ रहा है। हाँ बिल्कुल, दौरा सुबह से जब यहाँ पर बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बारिश जो है शायद लोगों को वहाँ पर जो है उत्साह को थोड़ा ठंडा कर दे, क्योंकि जैसे जैसे लगातार बारिश हो रही है, मैं देख रहा हूँ मेरे आसपास जितने लोग खड़े हैं तो बारिश में भीगे हुए, उनमें से कई लोग थोड़ा थोड़ा काम भी रहे हैं बारिश के कारण, मैं खुद भी सुबह से भीगा। जी अशोक जी, आपको रोकना चाहूंगा और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से पहले राष्ट्रगान यहाँ पर बजाया गया और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब आगे बढ़ते हुए अपने कार्यक्रम की ओर। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अशोक जी, हम आपसी संबंधों की जब बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच, तो इस यात्रा से ये संबंध और कितने मजबूत होते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर जो तमाम क्षेत्र हैं उसमें कैसे प्रगति इन दोनों देशों के बीच देखने को मिलेगी? देखिए गौरव, जो भारत और अमेरिका के संबंधों की बात करते हैं जी, उसको हम अगर थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में देखें, इसको जरा इतिहास के आईने में देखें, तो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो है वो डॉलर बहुत अच्छी तरह रहे, बहुत अच्छे रिश्ते भारत और अमेरिका के कभी भी गए। आज से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बीते दो या तीन दशक से भारत और अमेरिका के बीच जो है वो रिश्ते बनने शुरू हुए, दोनों देश एक दूसरे को समझने लगे, करीब आने लगे। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर जो था ना भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच, उसमें एक बड़ा फैक्टर था कि उसमें अमेरिका भारत को इस तरह से देखता था कि ये तो रूस का मित्र है। शीत युद्ध के बाद दुनिया जिस तरह से दो खेमों में लगातार बटी रही है, अमेरिका और रशिया की, तो उसमें जो नेटो देश है, जो अमेरिका है, वो हमेशा ऐसे देखता था कि भारत जो है वो रूस का बहुत करीबी मित्र है। और भारत में इस तरह की फीलिंग रही कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो उसको उसको तवज्जो देता है, और जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता है, आतंकवाद को करता है, उसके बावजूद अमेरिका अपने हितों के कारण जो है पाकिस्तान को लेकर के जो है पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देता है। मैं आपको ये भी याद दिला दूं गौरव, कि जब कभी भी ऐसा होता था कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता, कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है अगर दौरे पर आता था, तो अमेरिका हमेशा बैलेंसिंग एक्ट करता था। वो ये करता था कि अमेरिका का कोई बड़ा नेता अगर आएगा तो वो या तो पहले पाकिस्तान आएगा, उसके बाद भारत आएगा, या भारत से जाते हुए जो है पाकिस्तान जरूर जाएगा। तो इस तरह का एक बैलेंसिंग एक्ट रहता था, तो एक हिचक थी दोनों देशों के रिश्तों में। लेकिन क्या है कि अगर पिछले कुछ सालों में देखें, और खासकर के बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब से सत्ता की बागडोर संभाली, भारत मिल चुके हैं और लोग इनके स्वागत के लिए पहले से तैयार। वॉशिंगटन डीसी की ये तस्वीर है। और आप देख सकते हैं वंदे मातरम के यहाँ पर नारे से पूरा समा गूंज चुका है। और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच